नमो आदेश गुरु जी को ओम गुरु जी। रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज हम छिन्मस्तिका साबर मंत्र पर बात करेंगे। छिन्मस्तिका साबर मंत्र के बारे में जो जानने वाली बात है कि छिन्मस्तिका को जो प्रकट किया था और जो वज्रवाराही साधना है हमारी छिन्मस्तिका माता का, वो कानिफनाथ जी ने दिया था। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कानिफनाथ जी के का घोर रूप है, जिसमें इन्होंने ये वेताल पर सवार हैं, मसान में बैठे हैं और हाथ में डमरू और कपाल लिए हुए हैं। तो वज्रवाराही साधना, हमारे घर के पास छिन्मस्तिका स्थान है, जो चार महामसान है पूरे भारत में, उसमें एक महामसान छिन्मस्तिका को माना जाता है। यहीं पर बैठ के छिन्मस्तिका जो है वो रजरप्पा के पास, मतलब रजरप्पा स्थान को कहा जाता है। रजरप्पा यहाँ के लोकल भाषा में रजरप्पा का मतलब होता है राजाओं का श्मशान। तो वहां पर हमारे कानिफनाथ जी ने साधना की थी और यहाँ प्रकट किया था माँ छिन्मस्तिका को, और यहीं पर उन्होंने दिया था वज्रवाराही साधना। तो मैं आप लोगों को मंत्र, किसी ने मुझे एक कमेंट में लिखा था कि आप प्रवचन मत दो, लेकिन देखो क्या है कि मैं किसी भी मंत्र के बारे में इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग ब्लाइंडली किसी मंत्र की साधना ना करो। मंत्र की साधना करने से पहले मंत्र के बारे में जान लेना चाहिए कि किसने वो मंत्र दिया, क्यों दिया, उसका क्या, उसके पीछे तात्पर्य था। भी क्या है कि एक साबर मंत्र मिल गया, उसको आप लोग जप के सिद्ध कर लिए, लेकिन वो साबर मंत्र का क्या प्रयोग है? एक ही साबर मंत्र का बहुत प्रयोग होता है और साबर मंत्र का अर्थ निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय के वो कालखंड की भाषा में दिया जाता था। तो जैसे कि अगर आप संस्कृत मंत्र कर रहे हो तो मोहियो, मोहिनी का मंत्र में मोहियो मोहियो लिखा रहेगा, मतलब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन साबर में बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस चीज के लिए ये मंत्र है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई किसी भी मंत्र का आप लोगों को बैकग्राउंड दे दूं। तो जब आप छिन्मस्तिका साधना कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि छिन्मस्तिका को अगर किसी ने साधा था तो वो हमारे कानिफनाथ महाराज थे। कानिफनाथ महाराज ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, उस समय बिहार बंगाल एक हुआ करता था, और इनके पिताजी मछुआरे थे, ब्राह्मण थे मछुआरे थे, देख लो ये सब समझ का फेर है। और जो मच्छिंद्रनाथ जिस मछली से निकले थे, वो मछली कानिफनाथ जी के पिताजी ने ही पकड़ा था। तो वज्रवाराही साधना पे हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। माँ छिन्मस्तिका भगवती पार्वती का वो रूप है जिसमें उन्होंने अपने अपने सर को काट करके जया और विजया जो डाकनी थी, या जिसको हम लोग माँ पार्वती की सेविका भी कहते हैं, उन लोगों को दिया था। फूल जोगनी भी बोला जाता है इनको गुजरात की तरफ, और कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि माँ छिन्मस्तिका उनके दोनों तरफ जोगनियां हैं, उनमें एक कदम फूल जोगनी। तो एक मंत्र है साबर का, जो अभी आप लोग जो आने वाला नवरात्र 6 तारीख से, उसमें माँ फूल जोगनी का सिद्ध कर सकते हैं। ये गोरक्षनाथ का मंत्र है। जो वज्रवाराही साधना, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो, वज्रवाराही साधना से जब आप माँ छिन्मस्तिके की साधना करते हैं तो उसका 4-5 चरण होता है। पहला 4 चरण साधना का होगा, मतलब अलग अलग लेवल का साधना होता है जिससे कि आप उस लेवल पे पहुंच पाइए, मतलब 5th लेवल पे पहुंच पाइए, और 5th लेवल पे फिर श्मशान साधना होता है माँ छिन्मस्तिका के लिए। तो अभी जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ वो आप घर में बैठ के कर सकते हैं। इस मंत्र को पूरे नवरात्र के 9 दिन में आपको 11 माला करना है, ठीक है? मतलब पहला दिन 2 माला, बीच के जो 7 दिन है उसमें 1-1 माला, तो 9 हो गया, और अंतिम दिन फिर आपको 2 माला करना है। इतना करने के बाद आपको दशांश हवन कर देना है, ठीक है? ऐसे जो माँ छिन्मस्तिका का जब हवन होता है और जब पूजा होता है, साधना होता है, उसका एक विधान ये है कि अगर आप माँ भगवती का की साधना कर रहे हो तो आप उनको एक बलि देना चाहिए कायदे से। तो अगर आप लोगों के पास बलि देने का सुविधा है तो इस साधना को करने के बाद आप लोग जरूर एक बकरे की बलि दें,
मंत्र क्या है। मंत्र आपके स्क्रीन पे है, सत का धर्म सत की काया, ब्रह्म अग्नि में योग जमाया, काया तपाए जोगी बैठा, नाभ कमल पर छिन्मस्ता, चंद सूर में उपजी सुषमनी देवी, त्रिकुटी महल में फेरे बाला सुंदरी, तन का मुंडा हाथ में लीना, दाहिने हाथ में खप्पर धारिया, पीपी पीवे रक्त बरसे त्रिकुट मस्तक पर, अग्नि प्रजाली श्वेत वर्णी, मुक्त केशा कैची धारी, देवी उमा की शक्ति छाया, प्रलय खाए सृष्टि सारी, चंडी चंडी फिरे ब्रह्मांडी, भग भग बाला भग दुष्ट को मुष्ट जती, सती को रख योगी घर जोगनी बैठी, श्री शंभुजती गुरु गोरखनाथ जी ने भाकी, छिन्मस्तिका जपो जाप पाप कटंते आपो आप, जो जोगी करे सुमरन पाप पुण्य से न्याय रहे काल न खाए। श्रीम क्लिम ह्रीम ऐम वज्र वरोचन्ये हुम हुम फट स्वाहा। तो ये हुई पंचम ज्योति छिन्मस्तिका, जो मतलब दश महाविद्या में पंचम है। ठीक है, ऐसे अगर बहुत एप्रोप्रिएट आप साधना करना चाहते हैं तो मैं आगे चल के वज्रवारा ही साधना दूंगा, लेकिन ये साबर मंत्र करके एक है कि आप एक शक्ति के तो आधिपत्य हो जाते हैं। ठीक है, तो माँ छिन्मस्तिके के बारे में जानने लायक ये बातें हैं। माँ छिन्मस्तिके की उत्पत्ति दो तीन जगह बताई जाती है, जैसे एक तो हिमाचल में है, उस बोलता है बोला जाता है कि वो उनका जन्म स्थान है, वहां से जब आप देखते हैं तो आपको कैलाश पर्वत डायरेक्ट दिखता है। दूसरा झारखंड में छिन्मस्तिका है, झारखंड में जो छिन्मस्तिका है वो चार महामसान जो पूरे भारत में माना जाता है, जिसमें कि एक हरिद्वार है, एक काली घाट है, एक तारापीठ है और एक छिन्मस्तिका है। तो यहाँ पे बहुत सारी अनंत साधनाएं आपको मिलती हैं। छिन्मस्तिका के मंदिर से थोड़ा हट करके आप जाइएगा तो वहां पर एक मशान है जहाँ पे आपको एक आध अघड़ अघोरी हमेशा दिख जाएंगे। वो जगह है जहां पर कानिफनाथ बाबा ने माँ छिन्मस्तिका को प्रकट किया था। तो इसका साधना विधि तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 11 माला करना है पूरे नवरात्र में, दो माला शुरुआत वाले दिन, आवाहन वाले दिन, और दो माला विसर्जन वाले दिन। बाकी दिन एक एक माला आप करेंगे। एक एक माला करने का दशांश आप हवन करेंगे, हवन की सामग्री बिल्कुल वही रहेगी जो हमेशा माँ भगवती के हवन में हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या करते हैं, तो एक तिल करते हैं, एक लौंग करते हैं, एक गूगल करते हैं। इतना करने के बाद देखिए, जब आप माँ की पूजा करेंगे तो माँ बिल्कुल ही सात्विक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो माँ सात्विक है, इसका मतलब है कि चाहे तो आप इनको खीर माँ को बहुत पसंद है, दूध के पेड़े माँ को बहुत पसंद है, तो दूध या खीर का प्रसाद चढ़ाइए। ठीक है, गूगल का धूप दीजिए, घी का दीपक जलाइए। एक चीज और मैंने बोला, बलि देनी होती है, बलि माँ को नहीं पड़ता, माँ के साथ जो दो जया और विजय रहती है ना, उनको बलि दिया जाता है। तो जब माँ का अब साथ रहे तो उनके साथ वालों को भी तो साधना पड़ेगा, इसलिए साधना के अंत में उनको एक बलि दी जाती है। अच्छा, इस साधना को करने से क्या होता है, इस साधना को करने से तो बहुत ही जबरदस्त लाभ है। पहले तो जहां भी माँ भगवती छिन्मस्तिका की पूजा होती है वहां कभी भी दारिद्र प्रवेश नहीं करता, वहां दुख नहीं हो सकता, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लक्ष्मी की धन की कमी हो। दूसरा, जिस जगह पे या जो भी अपने घर में माँ भगवती छिन्मस्तिका को स्थान देता है उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता। अगर आपके वंश लग रहा हो कि वंश आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि वंश का आपका विनाश हो रहा है, तो ये देवी छिन्मस्तिका के साधना करने से, या फिर अगर आप छिन्मस्तिका को अपने प्रॉपर्टी पे एक स्थान दे करके वहां पे साल में एक बलि देंगे, इतना ही करने से आपके वंश का विनाश रुक जाएगा, और अगर वंश आगे नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ने लगेगा। ठीक है, अभी जो आप फोटो देख रहे हैं ये छिन्मस्तिका स्थान का है जहाँ पे बलि दी जाती है। बाबा कानिफनाथ का दिया हुआ वज्रवारा ही साधना, उसके चार चरण, और जो पांचवा चरण है शमशान, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। मुझे मतलब जैसे लगने लगेगा कि मेरे फॉलोअर्स में ऐसे लोग हैं जो कि वो साधनाएं कर सकते हैं, तो वो साधनाएं भी आप लोगों को मैं मतलब आने वाले वीडियोस में दूंगा। आज की सभा को यही विसर्जित करते हैं, वही पुरानी बात, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, भूत प्रेत से बात करना अगर आपको सीखना है मशीन के द्वारा, तो ये किताब है मेरी, आप पढ़ सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे खरीद के। मुझसे डायरेक्ट बात करना है किसी भी विषय को लेकर के तो कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू बात कीजिए, इसको आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, इसको इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए रुद्रनाथ। देखिए, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के लिए है। ठीक है, ये फॉरेन में अवेलेबल है,
इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इमरजेंसी के लिए। आप सभी को अलग आदेश।